हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू मैं सत्येंद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में गुड आफ्टरनून एवरीवन। धीरज विवेक तरुण सागर नितिन स्नेहा वेरी गुड आफ्टरनून आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजुअली ऑल प्रॉपरली सभी तक आवाज़ क्लियरली पहुंच रही है गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून अभिजीत तन्मय सागर सभी को गुड आफ्टरनून तो आज ये जो हमारी क्लास है ये ग्रामर फाउंडेशन की क्लास है बिल्कुल बेसिक लेवल से ग्रामर को सीखेंगे ग्रामर की इम्पॉर्टेंस को समझेंगे इन द स्कीम ऑफ थिंग्स इंग्लिश के अंदर खैर उसके इंपॉर्टेंस से आप भली भांति पहले से परिचित हैं लेकिन अभी जो पैटर्न में बदलाव हुआ है उसके बाद ग्रामर की क्या रिलेवेंस है क्या इम्पॉर्टेंस है किस तरीके से इसे अप्रोच करना है हमारे अप्रोच में क्या क्या खामियां आती हैं क्यों हमें यह लगता है कि ग्रामर में रूल रटने के सिवाय कोई और चारा नहीं है क्या कुछ और रास्ता है क्या ग्रामर को बेहतर करने का तो वो सारी बातें सीखेंगे तो बैच की जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी आपके पास हैं करियर लैब के ऊपर कल इस बैच की पहली क्लास थी जो इंट्रो कम ओरिएंटेशन क्लास थी जहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर पैटर्न सब कुछ डिटेल्ड मैनर में डिस्कस किया हुआ है ये जो पहली क्लास है जहां पर लिटरली हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं कल तो पढ़ाई क्यों करनी कैसे करनी है उन सब चीजों के बारे में हमने बात की थी आज सही मायने में पढ़ाई शुरू हो रही है ग्रामर के फाउंडेशन के साथ बिल्कुल बेसिक्स के साथ सो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी करियर वे लैब पे हैं सबसे पहली बात जो नए पैटर्न के अंदर क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे करियर विल इज नोन फॉर दिस एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच तभी भर भर के सिलेक्शंस आप तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें नए पैटर्न के अंदर जो वेटेज था हमारा सीजीएल मेंस का जो पेपर हुआ पहला दूसरा होने वाला है उसमें अगर आप ग्रामर का वेटेज देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि स्पॉटिंग एरर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट नरेशन और वॉयस ये जो हमारे पोर्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि थर्टीन क्वेश्चन आउट ऑफ फोर्टी ग्रामर है तो क्या ग्रामर का इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस यहीं तक सीमित है बिल्कुल नहीं आपको पता है कि फिलर्स है क्लोज टेस्ट हैं या बाकी के जो हमारे एरियाज खास तौर से जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन बढ़ा है या आप फिलर्स की बात करो क्लोज टेस्ट की बात करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करो इन सभी चीज़ों के लिए ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है बिकॉज आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आता और आज की बात उसी के ऊपर आधारित है जैसे आप सभी का ये एक्सपीरियंस होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्योंकि हर बैच में ये एक्सपीरियंस मुझे भी होता है जब ग्रामर फाउंडेशन से शुरुआत करता हूँ कि ऐसा नहीं कि हम ग्रामर पहली बार पढ़ रहे हैं स्कूल के दिनों में भी पढ़ा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आपने पढ़ाई की होगी कहीं ना कहीं लेकिन अगर ईमानदारी से आप पूछें तो कई बार ऐसा होता है कि हमने ये सब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब टेंस एडवर्ब कंजंक्शन ये सब कुछ किया हुआ है आर्टिकल वायस एंड नरेशन एवरीथिंग इज डन बट स्टिल कई बार एक सेंटेंस को पढ़ने और समझने में हमें दिक्कत होती है और वो सेंटेंस खासतौर से न्यूज पेपर आर्टिकल्स के होते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं न्यूज पेपर आर्टिकल से रिसर्च पेपर से उठा के आपको दिया जाता है तो ये थोड़ा एक सवाल मतलब खुद से पूछना चाहिए कि यार सब कुछ पढ़ने के बाद इतने सारे नियमों को याद रखने के बाद गोल्डन रूल और सिल्वर रूल करने के बाद हंड्रेड इंपॉर्टेंट रूल्स करने के बाद भी ये सब दिक्कतें बनी क्यों रह जाती हैं आखिर वो मिसिंग लिंक क्या है तो आज चर्चा उसी से शुरू होगी और अगेन देखो मैंने जो अगली स्लाइड आपके लिए लगाई है ना वो एग्जैक्टली exactly जो लिखा हुआ था एस एस के सिलेबस में जब लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में नया सिलेबस जारी हुआ तो इसमें आप देखें वो कैबलरी ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर ये तीसरे नंबर पर लिखा हुआ टर्म था जो सीजीएल का एग्जैक्ट सिलेबस आया था मैंने वहीं से उठा के लिखा हुआ है और सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो समझ है जैसे मैंने कहा कि वो किसी भी तरह के क्वेश्चन टाइप के लिए जरूरी है किसी भी तरह के क्वेश्चन टाइप के लिए आप सपोज आपने नाउन का चैप्टर पढ़ा डिटेल्ड मैनर में प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एड कोई भी चैप्टर जब आप पूरी तरीके से पढ़ते हो और उसके बाद उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो चाहे वो एरर डिटेक्शन का हो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो या किसी भी तरह का ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हो तो वहां पे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ की ज़रूरत होती है क्योंकि भाई सेंटेंस तो एक बेसिक इकाई है ना बेसिक एंटिटी कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन करोगे वहां सेंटेंस तो मिलेगा मिलेगा लेकिन एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लेकर के हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता तो ग्रामर फाउंडेशन के अंदर मैं आपकी इसी समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूं और इस समस्या का एहसास कराने के लिए देखो आज मैंने आपको यहां पे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं जो एग्जैक्ट अभी न्यूज से ही लिए गए हैं बिल्कुल न्यूज से ही उठाए गए हैं मैंने यहां पे क्या लिखा है कि एनालाइज द फॉलोइंग पैराग्राफ्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेज जी तो आपके सिलेबस में भी एसएससी ने साफ साफ लिखा आइडेंटिफाई एंड लेबल द टाइप्स ऑफ फ्रेजेज एंड फ्रेज एंड क्लॉज द बोल्ड पार्ट बिलोंग अब जब हम इंग्लिश के बेसिक्स की बात करते हैं तो हम वहां पे क्या कहते हैं कि इंग्लिश का जो सिंटैक्स होता है यानी एक सेंटेंस को लिखने का तरीका वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बचपन से ये पढ़ा अभी भी पढ़ते हैं कोई बुराई भी नहीं है इसमें लेकिन क्या वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली जो हमारी समझ है लैंग्वेज की उस समझ से आपका बेड़ा पार होने वाला है वो तो एक बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस हो सकता है भाई राज लाइक्स सिमरन टाइप तो राज सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया लाइक्स हो गया वर्ब और सिमरन हो गई ऑब्जेक्ट लेकिन क्या न्यूज पेपर के अंदर जहां से आपको आपके क्वेश्चन सोर्स किए जाते हैं आर्टिकल से सोर्स किए जाते हैं क्वेश्चन वहां पर ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं नहीं वहां पर तो ऐसे सेंटेंस मिलते हैं ये देखिए चंद्रयान के ऊपर ये पैराग्राफ न्यूज़पेपर से उठाया गया है कि द सॉफ्ट टेक्स्ट बुक टच डाउन बाई द लैंडर आफ्टर अ फेल्ड अटेम्प्ट इन ट्वेंटी स्पार्क वाइड स्प्रेड जुबिलेशन एंड सेलिब्रेशन इन दर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री अब मैं आपको पूछूं कि भाई देखो ये एक सेंटेंस तो है यहां तक ठीक है अब क्या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आप ढूंढ पा रहे हो और क्या एक सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही होते हैं क्या तो एक्चुअल चैलेंज तो हमारा ये है, ये है असली चैलेंज कि जब एक सेंटेंस में पढ़ूं तो पढ़ने के साथ साथ उसमें क्लैरिटी मुझे आ पाए क्योंकि यहीं से उठा के क्लोज टेस्ट यहीं से उठा के फिलर्स यहीं से उठा के पैरासिम्बल ये सब आपको यहीं से मिलने वाले हैं आरसी के पैसेजेस यहीं से मिलने वाले हैं आप सिलेबस में देखें साफ साफ तौर पे क्या लिखा हुआ है पे पे साफ साफ तौर पे लिखा है कि एटलीस्ट वन पैराग्राफ शुड बी सिंपल वन बेस्ड ऑन अ बुक आर स्टोरी एंड द अदर टू पैराग्राफ शुड बी ऑन करेंट अफेयर बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑन एडिटोरियल तो आरसी का जो वेटेज है हमारा वही बात आप देखें आरसी का जो वेटेज है वो आपके पास ट्वेंटी है आप फिलर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं बिकॉज बेस्ड फिलर्स ही मेन्स में जनरली पूछी जाती है तो बाईस और चार छब्बीस आउट ऑफ फोर्टी फाइव क्वेश्चन आर्टिकल से आएगा बट स्टिल तो फिर वहां पर काम तुक्के से चलता है और इसमें जो सबसे बड़ी खामी है वो है दो इंपॉर्टेंट टर्म को हम अपने बेसिक्स के अंदर बाईपास कर जाते हैं शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य हम कह लेते हैं भाई यहां सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो वाक्य क्या है शब्दों के सार्थक समूह को लेकिन अब ये समूह कितना बड़ा हो सकता है अब ये समूह तो ये भी हो सकता है ना कि मैं यहां पे कह दूं कि गौरव प्लेज या गौरव सिंग्स फुल स्टॉप गौरव गाता है ये भी एक सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है एक सेंटेंस के लिए लेकिन उसके बाद गौरव क्या गाता है गौरव कैसे गाता है गौरव कहां गाता है यू नो और भी इंफॉर्मेशन देते जाओ गौरव तो ये सारी सेंटेंस अब ये सेंटेंस लंबा होता चला जाएगा और डेफिनेटली इसके अंदर पार्ट्स इस ऑफ स्पीच का रोल होता है लेकिन जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो हम एक शब्द के लिए बात करेंगे वहीं पे एक शब्द की बात होगी लेकिन जब शब्दों का समूह लगने लग जाए इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया हमें मिलने लग जाए तो फिर हमें समझ ही नहीं आता कि यार इसमें सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है ऑब्जेक्ट क्या है एडवर्ब क्या है प्रेपोजिशन क्या है क्या ये नाउन ही है या नाउन फ्रेज कहा जा सकता है एडजेक्टिव कह सकता हूं क्लॉज कह सकता हूं किसी भी के अंदर। बिल्कुल सही बात फाउंडेशन की बात कर रहे हैं अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द और जैसे ही शब्द पिक्चर में आता है वहां पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल आ जाता है कि अगर इंग्लिश भाषा में कोई शब्द है तो वो उन्हीं आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ ना कुछ होगा लेकिन सिर्फ शब्द से तो काम नहीं चल रहा यहां पे आप अगर देखें जो पैराग्राफ मैंने अभी आपको दिखाया है यहां पे आप कैसे सब्जेक्ट को बताओगे कि द सॉफ्ट टेक्स्ट बुक टच डाउन बाय द लैंडर फेल्ड अटेम्प्ट इन अटेम्प्टीन स्पार्कड अब यहां पर स्पार्कड जो है ये वर्ब है और किस चीज ने स्पार्क किया यानी यहां से लेकर के यहां तक जो लिखा है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया लेकिन सब्जेक्ट को हम बोलते क्या हैं सब्जेक्ट का काम कौन करता है नाउन करता है या नाउन का इक्विवेलेंट करता है लेकिन हम नाउन तब बोल सकते थे जब वो एक शब्द होता यहां तो ये यह शब्द नहीं है तो शब्दों का समूह है और ये एक ऐसा समूह है जिसके पास अपना वर्ब नहीं है तो इसीलिए अब यहां पे सब्जेक्ट का काम ये कर रहा है तो इसे हम कहेंगे नाउन नाउन फ्रेज ये फ्रेज है कि किस चीज ने स्पार्क किया और आगे फिर देखो मैंने यहां पे बोल्ड किया हुआ है वाइड स्प्रेड जुबिलेशन एंड सेलिब्रेशन क्या स्पार्क किया हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल तो ये क्या का जवाब है आप यही तो पढ़ते हैं नाउन को कैसे पहचाने हु और व्हाट का जवाब हुम का जवाब नाउन होता है तो उसने इसने क्या स्पार्क किया इसने स्पार्क किया जुबिलेशन एंड सेलिब्रेशन अगेन इसे मैं क्या बोलूंगा इसे कहा जाएगा नाउन फ्रेज और ये काम क्या कर रहा है वर्ब के ऑब्जेक्ट का अब आप देखो अभी जब हम बात कर रहे थे राज लाइक सिमरन वाले एग्जाम्पल की तो यहां एक एक शब्द थे ये कि राज सिमरन को लाइक करता है यहाँ पे एक एक वर्ड थे तो हमने इसको नाम दिया था कि भाई ये नाम कोई भी नाम नाउन होता है मैं सारा फंक्शनल एस्पेक्ट अभी आपको समझाऊंगा और सिमरन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गई और बीच में आ गया वर्ब लेकिन यहाँ पे अब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का काम वर्ब तो एक शब्द कर रहा है लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम एक वर्ड नहीं करके वर्ड का फ्रेज यहाँ पे शब्दों का समूह कर रहा है तो इसीलिए हम इसे अब यहाँ पे क्या कहेंगे नाउन फ्रेज कहेंगे और कहाँ पे ये सब हुआ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में तो दिस इज वॉट ये एक्शन कहां हुआ जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसे क्या कहते हैं भाई एडवर्ब कहते हैं बचपन से पढ़ा हमने लेकिन यहां पे ये अगेन क्या कहा जाएगा एडवर्बियल फ्रेज कहा जाएगा क्योंकि यहां पे एक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है यहां पे इन द दर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री अगेन शब्दों का समूह है तो इसे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस कहा जाएगा ये जगह की बात कर रहा है इसीलिए हमें फ्रेज और क्लॉज के समझ की जरूरत है और ये एक ऐसी बेसिक चीज है वो दसवीं तक ग्रामर होती है जनरली स्कूल्स के अंदर एक बुक आती थी ना हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन उस बुक के अंदर भी इसके बारे में जिक्र है तो अगर हम बात करें इस बात के लेवल की तो ये दसवीं तक के ही ग्रामर के अंदर आती है लेकिन कई बार पूरी पढ़ाई लिखाई और सारी तैयारी होने के बाद भी इस पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत हमें होती है तो इसीलिए अब मैंने आपको देखो अभी तक क्या क्या बात कर ली कि हम जो बात करने वाले हैं वो एस के जो नया सिलेबस नया पैटर्न है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है सेंटेंस स्ट्रक्चर तीसरा टर्म लिखा गया है ग्रामर और तो एक जनरल सी बात तीसरे नंबर पे आ गया सेंटेंस स्ट्रक्चर क्योंकि उसकी समझ बहुत जरूरी है चाहे आप ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन करें आप वोकेब्लरी बेस्ड क्वेश्चन करें या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन करें क्योंकि क्वेश्चन हम किसी भी तरह का करेंगे सबसे बेसिक बात एक सेंटेंस तो मिलेगा और उसी सेंटेंस को पढ़ने और समझने में अगर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता ब्रेक नहीं कर पाता पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत है जैसे हमारे वो दोस्त जो सी की प्रिपरेशन करते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आजकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पर सवाल पूछे जाते हैं कि बताओ इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है और हमें लगता है कि वो चीज़ रटने वाले कि मैं रट लूंगा ये प्रोनाउन है ये एडजेक्टिव है ये एडवर्ब है अरे एक ही शब्द प्रपोजिशन भी हो सकता है एडवर्ब भी हो सकता है कंजंक्शन भी हो सकता है एडजेक्टिव भी हो सकता है ये डिपेंड करता है कि वो शब्द लगा कहां है तो पढ़ाई की थोड़ी सी दिशा बदलनी पड़ेगी अभी तक हम ये रटते थे कि अच्छा ये नाउन ये एडजेक्टिव है यह एडवर्ब है मेरे साथ आप यहां रटेंगे नहीं सबसे पहले हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शनल आस्पेक्ट को देखेंगे तो इसीलिए मैं यहां पे आपको एक बार सिलेबस ये दिखा दूं कि हम फाउंडेशन के अंदर क्या क्या करने वाले हैं सबसे पहला काम अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनल आस्पेक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच फंक्शनल आस्पेक्ट किताबी बातें नहीं नाउन को कैसे पहचानेंगे जब नाउन का फंक्शन जानेंगे कि नाउन का काम क्या है नाउन का काम क्या है अब मैं जैसे आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि मुझे यह बताओ कि नो जो है शब्द नो बचपन से सुन रहे हैं इस नो की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है क्या लगता है आपको यह नो नाउन है एडजेक्टिव है एडवर्ब है क्या लगता है तो क्या जवाब दोगे आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे हां जी क्या लगता है नो क्या है तो अब इसमें लगेगा कि शायद यार रटा हुआ ज्ञान हो ये रटना पड़ेगा याद करना पड़ेगा अब अगर हम सिंपली नो और नॉट की बात करें तो इसमें बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है कि अगर आपको ये कहा जा रहा है या आप ये कह रहे हैं कि आई हैव नो मनी आई हैव नो मनी तो मनी क्या है नाउन और नो no उसके पहले आ गया तो यहां पे ये नो no एजेक्टिव का, का काम कर रहा है बट वहीं पे आप कहो आई डू नॉट हैव एनी मनी तो ये नॉट क्या हो गया एडवर्ब का काम का का करता है इसको हम एडवर्ब ऑफ एडविगेशन बोलते हैं तो इन जनरल नो एडजेक्टिव का काम करता है लेकिन नॉट एडवर्ब का काम करता है लेकिन वहीं पे अमिताभ बच्चन साहब का जो डायलॉग था एक नो मींस नो पिंक मूवी के अंदर मैं पूछूं इस डायलॉग के अंदर नो की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है तो अब नो मींस नो का पहला न, नो भी नाउन है और दूसरा नो भी नाउन का काम कर रहा है पहला नो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया और दूसरा नो एक तरह से सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है पूरक है तो यहां तो वही नो नाउन का काम कर रहा है इसीलिए मैंने क्या कहा कि हमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब का काम समझाना चाहिए कि उनका फंक्शन क्या है उनका रोल क्या है और जैसे ही ये बात आपको समझ में आती है कि अच्छा नाउन का ये ये काम है एडजेक्टिव का ये काम है एडवर्ब का ये काम है आपको पहचानना बिल्कुल आसान हो जाता है रटने के बोझ से आप हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं रटने की जरूरत फिर हमें वहां पर नहीं पड़ती तो इसीलिए सबसे पहले उसकी बात करेंगे जब आप फंक्शनल एस्पेक्ट सीख जाओगे तो फिर बात होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीओएस की पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें नाउन की पहचान कैसे हो एडजेक्टिव की कैसे हो एडवर्ब की कैसे हो इसमें कई बार हम कुछ रूल रट लेते हैं या सफिक्स रट लेते हैं कि भाई मेंट लगा हो टी आई ओ एन लगा हो आई टी वाई लगा हो तो ये नाउन है ठीक है ये बातें ये आपको मदद करती हैं काफी हद तक लेकिन इसको रटने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये इस तरह के नाउन है ज्यादातर इस तरह के नाउन आपको दिखाई देंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन अरे भाई नाउन के और भी प्रकार है ना कॉमन नाउन किसी कॉमन नाउन में जरूरी थोड़ी है कि यही सारे शब्द लगे हुए हैं अब हम बॉय का अगर इस्तेमाल करें तो बॉय भी तो एक कॉमन नाउन है किसी भी लड़के को लड़का ही बोलोगे किसी भी शहर को शहर ही बोलोगे सिटी किसी भी राज्य को राज्य बोलोगे स्टेट कॉमन नाउन है तो क्या इसमें ये सफिक्स लगे हुए हैं क्या बिल्कुल नहीं अभी हमने बात करी नो मीन्स नो यहाँ नो सेंटेंस का सब्जेक्ट था ये भी नाउन का काम कर रहा है तो रटने वाला ज्ञान आपको हमेशा सीमित रखता है अगर वहां तक मामला बना तो आपका आपकी गाड़ी आगे निकलेगी नहीं तो गाड़ी फिर हमारी फंस जाती है तो खैर एक पहले सारे पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शनल देखेंगे फिर पहचानना सीखेंगे उसके बाद बारी आएगी फ्रेजेस की जहां पे हमें होती है समस्या और अगर ये फ्रेज की समझ होती तो शायद बहुत सारे रूल आपको रटने नहीं पड़ते जो आप ग्रामर में रटते हो फ्रेज की बात जब हम समझ लेंगे तो उसके बाद बात होगी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉजेस और फिर उसके आइडेंटिफिकेशन की बात हम करेंगे क्योंकि अभी आपने देख लिया कि एक सेंटेंस के अंदर फ्रेज भी हो सकता है क्लॉज भी हो सकता है खासतौर से जो लेंदी हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज अब हम जब सेंटेंस स्ट्रक्चर की यहां पे बात कर रहे हैं सिलेबस में भी साफ साफ तौर पे लिखा है तो एक तो सेंटेंस के टाइप्स आपने बचपन से पढ़े वो अफोमेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऑप्टेटिव ये सारे सेंटेंस के प्रकार ये फंक्शन के बेसिस पे हैं अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करते हैं, तो फिर वहां सिंपल सेंटेंस हैं कंपाउंड सेंटेंस हैं हैं कॉम्प्लेक्स तो इनको कैसे आप आइडेंटिफाई करो कैसे इनको ब्रेक कर पाओ कैसे इनको समझ पाओ और देखो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ इज नॉट जस्ट लिमिटेड विद योर राइटिंग थिंग कि लिखने के लिए या समझने ये बोलने के में भी बहुत मदद करता है बिकॉज आपको ये पता होता है कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कौन सी मेन बात है राइट right? तो ये सारी चीजें समझने में बोलने में और लिखने में आपको हर जगह ही मदद करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और उसके बाद जब सारा ज्ञान आपका हो जाएगा तो हम मिसलेनियस यहां पे प्रैक्टिस करेंगे पहले वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ड्स के बाद फिर फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे फिर क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करेंगे और जैसे मैंने आज यहां पे सैंपल के लिए आपको न्यूज़पेपर से उठा के दिए हुए हैं पैराग्राफ बिल्कुल उसी तरीके का पैराग्राफ आपको वहां भी मिलता है सो so दैट कि हमारी रियल टाइम पढ़ाई हो किताबी पढ़ाई ना हो जब हमें पता है कि उन्हीं न्यूज पेपर से उठा के उनके एडिटोरियल से आर्टिकल से हमें क्वेश्चन मिलते हैं तो क्यों नहीं जब हम पढ़ रहे हैं और हम इस बार पढ़ रहे हैं फाइनल के लिए सब स्कूल कॉलेज की पढ़ाई एक तरफ जो हो चुका वो हो चुका आप अच्छे थे उतने अच्छे नहीं थे जो भी है यहां पे तो ये बात बहुत लॉजिकल है सिंपल है कि मैंने अगर पूरी पढ़ाई कर भी ली सब रूल कर भी लिया रट लिया ग्रामर के नाम पे बट कंफर्टेबल इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कहां से आपको समझ आएगा। इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, कहीं न कहीं वो तार टूटा हुआ है और उसी को जोड़ने का मैं यहां पे प्रयास करता हूं ग्रामर फाउंडेशन के अंदर यहां पे जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं इस फाउंडेशन में कम से कम पांच से तो लगती लगती हैं इस पूरे तंत्र को सिखाने के लिए लेकिन इसके बाद आप कोई भी टॉपिक करोगे चाहे वो ग्रामर का कोई चैप्टर हो इसके बाद तो हम डिटेल मैनर में पढ़ते हैं एक चैप्टर या आप कॉम्प्रिहेंशन का कोई टॉपिक करिए फिलर्स के क्वेश्चन करिए क्लोज टेस्ट करिए आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज बहुत बेहतर हो जाती है तो यहां चाहते हो आपकी जो पैराग्राफ दिए हैं इनकी बात की जाए या सिखाने के बाद बात की जाए क्या कहते हो आप द मीडिया हेल्ड द हिस्टोरिक लैंडिंग एज इंडिया बिगेस्ट साइंटिफिक फीट इंडियाज बिगेस्ट साइंटिफिक फीट अब देखो एज के बाद लगा हुआ है ना प्रेपोजिशन के तौर पर उसके बाद जो लिखा होगा वो क्या होगा प्रेपोजिशन किसके पहले पोजिशन होता है डेफिनेशन तो याद कर ली क्या उसको अप्लाई कर पाते हैं फंक्शनल तरीके से प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस तो ये नाउन नहीं कहा जाएगा क्योंकि एक शब्द नहीं है काम नाउन का कर रहा है तो इसे नाउन फ्रेज अगेन कह लोगे ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का काम कर रहा है

मून रगेट साउथ पोल इज कोवेटेड यानी साउथ पोल की बड़ी इज्जत है क्यों बिकॉज ऑफ इट्स वॉटर आइस और फ्रोजन वॉटर अब देखो मैंने कलर इसीलिए अलग रखा है क्योंकि मैं दोनों आपसे पूछना चाह रहा था तो ये अब ऑफ इट्स आइस और फ्रोजन वॉटर क्या है प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो अगेन इसे नाउन फ्रेज कहा जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन का काम कर रहा है लेकिन ये देखो विच कुड प्रूव टू बी अस ऑफ फ्यूल ऑक्सीजन एंड ड्रिंकिंग वॉटर फॉर फ्यूचर मिशन ये क्या है तो अब इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज क्योंकि क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है लेकिन पार्ट होते हुए भी उसके पास अपना वर्ब होता है फ्रेज ऐसा पार्ट है शब्दों का समूह तो है लेकिन उसके पास अपना वर्ब नहीं होता और ये एक्चुअली इसको डिस्क्राइब कर रहा है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं यहां एक शब्द नहीं एक फ्रेज नहीं पूरा का पूरा क्लॉज डिफाइन कर रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाएगा इसीलिए मैंने कहा कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ पैराग्राफ पहले बेसिक शर्त है कि एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझें और इस स्ट्रक्चर को हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हमें फ्रेज और क्लॉज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है आइए एक दूसरा पैराग्राफ भी दिया है अब दे दिया है तो यहां पे डिस्कस कर ही लेता हूं जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो फिर नया पैराग्राफ दूंगा अब देखो बहुत ही प्यारा सा पैराग्राफ ये रिलेशनशिप के ऊपर है अब इसी में बहुत प्यार से क्लोज टेस्ट बनाया जा सकता है ये सर नो आई हैव ऑफन वंडर्ड हाउ पीपल हु वंस हुई अदर ड अ चाइल्ड और बिल्ट अंपनी टूगेदर कैन वाइंड अप इन स्टेट ऑफ म्यूचुअल लोदिंग दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस आस्क योर सेल्फ एम आई एबल टू गेट द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस आर नॉट क्या पढ़ते पढ़ते समझ आ गया क्या और पढ़ने की में भी देखो आवाज अभी मैं जब इंग्लिश में पढ़ रहा था तो आवाज किस तरह से ऊपर और नीचे जा रही थी यह डिपेंड कर रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं किस बात पे जोर देना है कौन सी बात एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कौन सब्जेक्ट है कौन वर्ब है आइए ब्रेक करते हैं थोड़ा सा आप वार्म हो जाएंगे फिर भूख लग जाएगी फिर खाना खिलाता हूं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सभी के फंक्शनल एस्पेक्ट देखेंगे आई हैव ऑफन एन हाउ पीपल तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं सब्जेक्ट हैव ऑफन एन हैव हेल्पिंग वर्ब वर्डर्ड मेन वर्ब ऑफ एन एडवर्व हो गया ठीक है हाउ पीपल कैसे लोग कौन से लोग अब देखो पीपल यहां पे सब्जेक्ट है इस क्लॉज के अंदर अगर हम बात करें तो और पीपल के बाद उसका वर्ब लगा हुआ है यहां पे कैन वाइंड अप अब जो बेचारा मासूम दिल दिमाग बचपन से पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उसके तो दिमाग में होता है सब्जेक्ट के बाद जो कुछ लिखा होता है वर्ब होता है और वर्ब के बाद जो लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है तो ये सब बड़ी कंफ्यूजन है रटा हुआ ज्ञान बहुत परेशान करता है अब यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब में इतनी दूरी है और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लिखा क्या है सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट कौन बनता है नाउन या प्रोनाउन जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए उसको डिस्क्राइब करे उसको मॉडिफाई करे उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं और यहां पे जब आपको दिख गया कि भाई वन हु वंस लव्ड ईच अदर लिव्ड टुगेदर क्रिएटेड अ चाइल्ड यानी यहां पे वर्ब लगा हुआ है तो मैं इसे बोलूंगा क्या मैं इसे बोलूंगा एडजेक्टिव क्लॉज तो यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में उस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज और अब देखो मतलब साफ साफ समझ आएगा ऑथर कह रहा है कि मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे वे लोग जो जिन्होंने एक दूसरे को प्यार किया एक दूसरे के साथ रहे इवन एक दूसरे के साथ बच्चा भी पैदा किया क्रिएटेड अ चाइल्ड एंड बिल्ट अ कंपनी टुगेदर और कंपनी भी एक साथ बनाई कैन वाइंड अप इन अ स्टेट ऑफ म्यूचुअल लोदिंग इन अ स्टेट ऑफ म्यूचुअल लोदिंग लोथ का मतलब क्या होता है घृणा म्यूचुअल पारस्परिक उनका संबंध कहां जाके खत्म होता है इन अ स्टेट ऑफ म्यूचुअल लोदिंग वो लोग एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते तो अब आपको क्या समझ आ रहा है सब्जेक्ट ये वो भी ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और मैंने ये भी आपसे पूछा है रेड कलर करके इसको भी बोल्ड करके तो भाई ये देखो आप इन प्रेपजिशन है प्रेपोजिशन किसके पहले पोजिशन होता है नाउन या प्रोनाउन बचपन से ही पढ़ा अब उसका फील ले रहे हैं तो इसको नाउन नहीं बोल सकते बिकॉज चार शब्दों का ये समूह है तो दिस विल बी कॉल्ड वॉट नाउन फ्रेज एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफ तो सीखना इंग्लिश बिल्कुल आसान है लेकिन जब आप लॉजिकल तरीके से पढ़ोगे तब अब पहली क्लास में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ने लग जाओ तब तो आ चुकी है अंग्रेजी सब्जेक्ट बनता है नाउन और प्रोनाउन वो अब अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर चौथा चैप्टर कंजंक्शन चार चैप्टर पढ़ाई नहीं ना तो उनकी समझ है पहले ही क्लास में अग्रीमेंट करने चले हैं तो अगर इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो फिर तो अंग्रेजी जितने साल पढ़ते रहो परेशान करेगी सिस्टमेटिक जब पढ़ोगे आप तब कहीं कोई दिक्कत नहीं आती तो हम इसीलिए बिल्कुल सिस्टमेटिक लेवल से बात करनी हमने शुरू करी है कि भाई ऐसा नहीं कि नई चीजें हैं ये ग्रामर पढ़ाई है हमने लेकिन ग्रामर का जरा अप्लीकेशन देखिए कि जो रियल टाइम हमें सेंटेंस मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं आओ मजे लेते हैं इस पैराग्राफ का कुछ नहीं पूछा साफ साफ लिखा हुआ है कि चालीस से ज्यादा प्रतिशत जो शादियां हैं आजकल उनका अंत डिवोर्स में होता है तलाक में होता है अब अगला मैंने क्या पूछा इमोशन देर लविंग मोमेंट्स कैन मोर्फ इन टू हिडनिटी अब यह एक सेंटेंस है अब कर लो आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं समझ आएगा अगर हमें क्लॉज की समझ नहीं है अब ये जो इफ पार्टनर्स आर ब्लाइंड टू टूच अदर इमोशन किस तरह का क्लॉज है इफ लगा हुआ है कंडीशनल क्लॉज है इसे हम कहेंगे एडवर्बियल क्लॉज और क्योंकि इफ लगा है तो इसे कहा जाएगा कंडीशन ये बिल्कुल वैसे ही है जो बचपन से आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस तो यू विल गेट सक्सेस मेन क्लॉज है तुम्हें सफलता मिलेगी लेकिन शर्त क्या है इफ यू वर्क हार्ड अगर तुम मेहनत करते हो तो ये सफलता मिलने की कंडीशन है सफलता मिलना वर्ब है और इसीलिए कहा जाएगा तो वही कहानी यहां पे भी है कि इफ पार्टनर्स आर ब्लाइंड टू इच अदर इमोशंस अगर पार्टनर्स एक दूसरे के इमोशंस को लेकर ब्लाइंड है यानी एक दूसरे के इमोशन का ख्याल नहीं करते तो उनका जो लविंग मोमेंट्स है वो किस में बदल सकता है मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर होता है यहीं से शब्द आता है मेटामोरफोसिस पूरी तरीके से बदलाव कैन मॉर्फ इन टू हिडन हॉस्टेलिटी हिडन का मतलब छुपा हुआ हॉस्टेलिटी का मतलब दुश्मनी तो उनके लविंग मोमेंट्स भी हिडन हॉस्टेलिटी में बदल सकते हैं वो कई बार नहीं दिखाते प्रेमी युगलों को एक दूसरे की एक बाहों में पकड़े हुए बट हाथ में पीछे है खंजर है? प्रेमी ने प्रेमिका की चाकुओं से गोद कर हत्या की ये सब अखबारों में बड़ी लाइनें मिलती तो ये बात है कि अगर वो एक दूसरे के इमोशन का ख्याल नहीं करेंगे तो उनके लविंग मोमेंट्स भी किसमें बदल सकते हैं हिडन हॉस्टिलिटी के अंदर पीपल ऑफ होल्ड देयर एक्सप्लोजिव फीलिंग्स इनसाइड लाइक अनडेटोनेटेड ग्रेनेट्स लोग ऑफ होल्ड देयर एक्सप्लोजिव फीलिंग्स अब यह क्या है भाई सब्जेक्ट हो गया ये वर्ब हो गया ये एडवर्ब हो गया वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होल्ड करते हैं अपनी एक्सप्लोजिव फीलिंग्स तो तीन शब्दों का समूह क्या बोलूंगा भाई नाउन फ्रेज बोलूंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम नाउन कर रहा होता है तो ये नाउन फ्रेज हो गया इन साइड लाइक अनडेटोनेटेड ग्रेनेट्स लाइक अगेन प्रपोजिशन यहां पे अनडेटोनेटेड ग्रेनेट्स क्या हो गया नाउन फ्रेज हो गया ये वाला देखो नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है यही है फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच काम समझो उनका पहचान तो खुद ही लोगे आप यहां पे वही नाउन फ्रेज काम क्या कर रहा है लाइक like के बाद लगा है तो मैं इसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन कहूंगा ठीक है तो उनकी जो एक्सप्लोजिव फीलिंग्स होती है उनके अंदर होती लाइक अनडेटोनेटेड डेटोनेटेड ग्रेनेट यानी ग्रेनेट तो है अभी डेटोनेट नहीं हुआ है गुबार फटा नहीं है देन वन डे ही सेज वन मोर थिंग दैट कंफर्म्स ही इज डिक्टेटर फिर एक दिन क्या होगा कि जो उसमें मेल पार्टनर है वो कुछ ऐसा कह देगा जिससे ये हो जाएगा कि वो तो भाई डिक्टेटर है है सुनता ही नहीं टिपिंग पॉइंट बस एक के कुछ गड़बड़ करने की जरूरत है अब टिपिंग पॉइंट आ गया अब वो ग्रेनेड जो है वो फटेगा और उसी की बात आगे द कपल रिक्नाइज वन ऑफ देम पुल्स द पेन तो जैसे ही किसी एक ने दूसरे की गलती पकड़ी कि तुमने ऐसा कैसे किया यह क्यों कहा एक को रियलाइज जैसे ही हुआ वही क्या है वन ऑफ देम द पिन पिन वो पुरानी फिल्मों में दिखाते थे ना पिन निकाल के के ग्रेनेड फेंकना फिर तो होगा विस्फोट संबंध के अंदर एंड फिर क्या होगा वन ऑफ देम पुल्स द पिन द इंजरीज आर इंटेंस जो घाव होंगे बड़े गहरे होंगे द कपल स्प्लिट्स और फिर संबंध टूट जाता है तो बड़ा अच्छा सा पैराग्राफ मुझे मिला था मैंने कहा चलो

आपके पास फोर्टी परसेंट क्वेश्चन से ही दो सौ क्वेश्चन इंग्लिश में होते ब्रेक आप करके आपको अर्थ समझाया तो क्या यह पैराग्राफ हमें अच्छे तरीके से समझ आया या नहीं आया हाँ या ना कमेंट में बताओ आप और अब जो ये आप कहते हो ना कि सर, समझ नहीं आता कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होती है अरे भाई कॉम्प्रिहेंशन का शाब्दिक अर्थ होता है लिटरल मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग मैं स्टूडेंट्स को पूछता हूं भाई क्यों समझ नहीं आता ये बताओ ना आप बीमारी का पता ही नहीं करते हम समझ इसलिए नहीं आता कि सबसे पहला बैरियर तो एक तो बच्चे कहते हैं सर बहुत बड़ा बैरियर है बिकॉज वी डोंट गेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट्स वाई वी लूज इंटरेस्ट एंड फिर हमें आगे पढ़ने का मन नहीं करता फिर उसमें कुछ समझदार बच्चे कहते हैं सर कई बार तो स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आता कई बार तो सर पांच पांच छह छह लाइन के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है बीच में कॉमा एम डैश एन डैश हाइफन सेमी कॉलन समझ ही नहीं आता कि इनका क्या फंक्शन है क्या रोल है हम मासूम मासूम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं मोहन श्याम दीपक तो इस तरीके से काम नहीं चलता फिर तो इसीलिए मैं बैच की शुरुआत में ही पहले आपके ग्रामर फाउंडेशन और वोकैब फाउंडेशन की बात करता हूं कि दोनों पिलर को पहले थोड़ा मजबूत करो अंडरस्टैंडिंग भाषा की वैसे ही बढ़ जाएगी आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ आने लग जाएगा का मतलब अंडरस्टैंडिंग शब्द को समझ लो शब्द के प्रयोगों की की समझ बढ़ाओ आप कि किस तरह से कहा कौन सा शब्द प्रयोग करना है और शब्दों को अरेंज करता है ग्रामर का ज्ञान व्याकरण का ज्ञान दोनों के फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं तो वो सारी चीजें आसान हो जाती हैं हम सब पढ़ के बैठे हैं गोल्डन सिल्वर हंड्रेड टू हंड्रेड इंपॉर्टेंट रूल्स बट स्टिल पल्ले नहीं पड़ती और फिर इसकी कोई बात भी नहीं करेगा वो एक डायलॉग था ना कौन सी फिल्म थी आ, दिल धड़कने दो उसमें एक गुस्से वाला सीन होता है ना रणवींद सिंह का इस परिवार में सब ऊपर ऊपर की बातें करते हैं कोई मेन बात तो करता ही नहीं तो वही बात यहां पे भी है लैंग्वेज में भी सब बात हो रही है ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो वैसा कर लो भाई सब कर रहे हैं कर लिए सैकड़ों वीडियोज हैं बहुत सारी किताबें हैं पी हैं बट इसकी तो कोई बात कर ले सब कुछ करने के बाद भी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस तो वो मेन बात मैं आपके साथ इसीलिए कर रहा हूं आइए एक आखिरी पैराग्राफ भी आपके लिए चूज किया था उसका भी डिस्कशन कर लू फिर शुरुआत करते हैं ये देखो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हालात बहुत खराब हैं और उसी से ये न्यूज से ही ये लाइनें उठाई गई हैं कि द मॉनसून सीजन हिमाचल प्रदेश हैज बीन विटनेसिंग फ्रीक्वेंट क्लाउड बर्स्ट एंड लैंडस्लाइड्स दैट हैव क्लेम्ड मेनी लाइफ वॉश्ड अवे व्हीकल्स एंड डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स अ टोटल ऑफ थर्टी रूट्स इंक्लूडिंग मंडी कुल्लू एंड धर्मशाला हैव बीन सस्पेंडेड

शब्दों का समूह है क्या बोलोगे नाउन फ्रेज काम किसका कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का तोड़ दो ना पूरा का पूरा सेंटेंस दैट हैव क्लेम्ड मेनी अवे व्हीकल्स एंड डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स ये पूरा का पूरा का क्या है दैट हैव क्लेम्ड तो ये क्लॉज हो गया अब देखो सेंटेंस तो ये है ना फुल स्टॉप जो है वो सेंटेंस का साइन होता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन सेंटेंस यहां पर शुरू हुआ खत्म यहां पर हो रहा है बट उसी सेंटेंस के अंदर फ्रेज भी और क्लॉज भी है हमें वही पल्ले नहीं पड़ता कि ये क्या आ गया बीच में टेंस कैसे बदल जाता है हैं? तो अब वो आपको यहां पे दिख रहा है कि जिस क्लाउड बर्स्ट और लैंड ने क्लेम किया है बहुत, मैंने बहुत सारे जीवन चले गए व्हीकल्स वाश्ड अवे हो गई और बहुत सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी किसने क्लाउड बर्स्ट और लैंड ने ये है क्या नाउन जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उसे कहते क्या है बचपन से परिभाषा ही रटी है परिभाषा नहीं पेपर पूछता कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्पेरेंट हो आप

क्या का जवाब सब्जेक्ट भी होता है आपको दिखी रहा वर्ब के पहले लिखा है और यहां पे ये टोटल शब्दों का समूह है बस इसमें कोई वर्ब नहीं है क्या कहूंगा मैं नाउन फ्रेज कहूंगा काम किसका कर रहा है सब्जेक्ट का कर रहा है तो आई होप कि ये तीन पैराग्राफ जो मैंने जस्ट एक सैंपल के तौर पर दिए थे कि हमारी थोड़ी भूख जगे अपनी समस्याओं को सही तरीके से समझें कि लैंग्वेज में हमारी दिक्कत है क्या ठीक है क्योंकि इन्हीं से रिट्रक्शन भी बनेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बनेगा इन्हीं से क्लोज टेस्ट भी आएगी आरसी भी आएगी इनी जग, इनी तरह के आर्टिकल से आती है और सेंटेंस को समझना इसीलिए बहुत जरूरी है तो आइए आई होप भूख चकने के बाद अब खाने की बात करते हैं देखो जब आप इंग्लिश की बात करते हो या फॉर दैट मैटर किसी भी लैंग्वेज की बात करते हो तो सबसे बेसिक इकाई क्या होती है लेटर होती है अक्षर तो अगर मैं यहां पे लिखूं ए डी जी टी ये सब क्या है ये सब अक्षर है कई बार कई बार लोग लेटर और अल्फाबेट में भी कंफ्यूज होते हैं अल्फाबेट एक्चुअली वर्ड माला को कहते हैं यानी जब आप ए से लेके जेड तक सीक्वेंस में लिखोगे ना दैट विल बी कॉल्ड अल्फाबेट अदरवाइज ये सारे के सारे क्या हैं ये आपके हैं लेटर्स लेटर Letter से मिलके क्या बनता है भाई लेटर से मिलके अक्षरों से मिलके बनता है हमारे पास शब्द और जैसे ही वर्ड की बात आएगी यहां पे बात आ जाएगी अब पीओएस एस की पार्ट्स ऑफ स्पीच की जिसकी हम सबसे पहले बात करेंगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या फंक्शन है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब वो सब समझेंगे डिटेल्ड मैनर में ऐसे सतही नहीं कि फटाफट -फड़ निकाल दिया वर्ड के बाद जो अगली कड़ी आती है वो सब अलग अलग कलर से लिखे नहीं वाइब्रेंट अगली जो कड़ी आती है वो अभी आपने देख लिया प्रेज उसके बाद जो अगली कड़ी आती है वो आती है क्लॉज की और फिर फाइनल जो प्रोडक्ट आता है हमारा वो कौन सा आता है वो आता है सेंटेंस का तो हम जब सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि मुझे इंग्लिश का एक सेंटेंस ढंग से समझ आए तो एक सेंटेंस के बनने में ये सारे पड़ाव हैं और मैं अभी बात क्या कह रहा था शुरू शुरू में कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं ये बात गलत नहीं है लेकिन एक लेवल के लिए सही है ना यार प्राइमरी क्लासेस में स्कूल में पढ़ते थे वहाँ बात ठीक है मैं वही एग्जाम्पल देता हूँ कि स्कूल में हम जब शरीर के अंग पढ़ रहे होते हैं विज्ञान के अंदर तो हो सकता है एक ही चैप्टर में छठी सातवीं क्लास में शरीर के सारे अंगों की बात हो जाए लेकिन जब आप एम करते हो तो ऐसा नहीं होता ना या किसी पर्टिकुलर एरिया में आप मास्टर्स कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा वहाँ पे उसी आँख के बारे में दो साल पढ़ाई होगी तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जो स्कूल में डेफिनेशंस पढ़ी वो शायद वहां तक के लिए सीमित थी ठीक था वो लेकिन उसी को खींच करके जब आप ऐसे ऐसे पैराग्राफ्स करोगे उस तरह के सेंटेंस थोड़ी मिलेंगे आपको आप एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं और यहां पे राम श्याम मोहन सोहन अगर उसी तरह से आप पढ़ रहे हो मैं तो इसीलिए क्लास में हमेशा रियल टाइम जो न्यूज चल रही होती है वहीं से एग्जाम्पल भी देता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी एनकरेज करने की कोशिश करता हूं कि थोड़ा आप भी सोचो रटो रटो मत किसी चीज को क्लियर रखो सो so दैट कि उसको अप्लाई कर पाओ बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव से तो ये हमारी पूरी की पूरी कड़ी है जो मैंने टॉपिक्स टू बी कवर्ड में आपके साथ मेंशन मेंशन वहां पे किया था अब अब आइए जब हम वर्ड की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो यहां पे आ जाता है क्या क्या नाउन क्योंकि तो देखो अब सबसे पहले शब्द के लेवल पे समझ जरूरी है शब्द का काम अगर समझ गए ना तो फ्रेज और क्लॉज का काम समझने में कोई दिक्कत नहीं जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि भाई नाउन को डिस्क्राइब कौन करता है एडजेक्टिव लेकिन अब क्लास कर रहा है तो उसको एडजेक्टिव क्लास का नाम दे देंगे तो वही कहानी है सबसे पहले वर्ड पे कमांड लेके आनी है तो नाउन हो सकता है कोई वर्ड प्रोनाउन हो सकता है और क्या हो सकता है एडजेक्टिव हो सकता है वर्ब हो सकता है एडवर्ब हो सकता है प्रोजिशन हो सकता है कंजंक्शन हो सकता है और क्या हो सकता है इंटरजेक्शन यही एट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं सभी ने बचपन से पढ़ा लेकिन अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करूं तो इसमें से जो आपके पहले सात हैं ना नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रशन कंजंक्शन इनकी बड़ी अच्छी समझ आपको चाहिए होती है समझ चाहिए होती है रूल रटने की बात नहीं कर रहा मैं अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल इट्स अ वेरी सिंपल थिंग बस अप्रोच में बदलने की जरूरत होती है कि पहले मैं रोट लर्निंग कर रहा था अब उसी को अंडरस्टैंड करके चलना है रटी हुई चीज़ के भूलने का खतरा वैसे भी बहुत ज़्यादा रहता है समझ आपके साथ जिंदगी भर रहती है तो मेरी क्लास में कोशिश वही रहती है कि आपको कोई भी चीज़ रटनी ना पड़े ना वोकेबली ना ग्रामर ना कॉम्प्रिहेंशन में कुछ तरीका समझ लीजिए डायनेमिक्स समझ लीजिए उसका अप्रोच समझ लीजिए चीज़ें आसान हो जाए इंटरजेक्शन की जरूरत पड़ती है वॉयस और नरेशन के अंदर जब हम स्पेशल टाइप के कुछ सेंटेंसेस के कन्वर्जन की बात करते हैं वॉयस में और नरेशन में जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं खासतौर से उनके केस में अदरवाइज आप एरर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट या जो हमारे बैंकिंग वाले स्पेरेंट्स हैं जो बैंक का पेपर्स भी लिखते हैं वहां पर ग्रामर के क्वेश्चन और अलग अलग नामों से आते हैं सेंटेंस करेक्शन यू नो बेस्ट री मैचिंग वाले क्वेश्चन कॉलम वाले भी क्वेश्चन कैसे भी कोई ग्रामर का ज्ञान पूछे किसी भी पेपर में कोई स्टेट एग्जाम हो एसएससी का कोई एग्जाम हो एमटीएस सीएचएसएल एस सीपीओ स्टेनो टेक्निकल एग्जाम्स हो बैंक के एग्जाम्स हो मैनेजमेंट के एग्जाम्स हो कहीं भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं चैप्टर्स की समझ का वहां पे इस्तेमाल होता है आर्टिकल भी बोल सकते हो आर्टिकल्स आर नथिंग बट एन एग्जेक्टिव ओनली तो वो भी इसके अंदर आ ही जाएगा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए और वॉयस और नरेशन टॉपिक अलग है लेकिन उसमें इस्तेमाल क्या होता है उसमें डेफिनेटली आपके वर्ब और टेंस की समझ का इस्तेमाल होता है तो ये तो हो गई बात इसकी अब देखो जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर की बात करते हैं ना कि मैं कोई पूछा आपसे व्हाट इज ग्रामर तो हम कोई भी बुक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ग्रामर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स जो लैंग्वेज को गवर्न करता है लेकिन अगर मैं एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्पिरंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं क्योंकि तो यहां पर आप कोई एकेडेमिक पढ़ाई नहीं कर रहे ग्रामर की समझ का मतलब दो बातों की समझ होती है वो दो बातें कौन कौन सी हैं वर्ड सेलेक्शन की समझ और वर्ड प्लेसमेंट की समझ और अगर आप एसएससी के पेपर्स का पैटर्न देखें क्योंकि बेसिक्स का एग्जाम है फंडामेंटल्स का एग्जाम है एसएससी डिफिकल्टी लेवल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर मतलब इसका लेवल इंग्लिश के अगर कर बात करी जाए तो लोवेस्ट ही होता है इसके ऊपर फिर बैंक का पेपर का लेवल आता है और फिर उसके ऊपर आपके मैनेजमेंट एग्जाम्स आते हैं तो डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं होती लेकिन जिसके फंडामेंटल्स क्लियर हैं उसके लिए बिल्कुल आसान है ये पेपर अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है बेसिक्स आपके नहीं क्लियर है तो फिर वहां पे होती है दिक्कत तो आप वर्ड का सिलेक्शन करने में अच्छे तभी होंगे जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ होगी जैसे एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो लगभग मैं हर बैच के शुरुआती दिन में पूछता हूं स्टार्टिंग में और मुझे आज तक उसका ऐसा नहीं कि पूरी क्लास सही जवाब देती सही जवाब आता है बट पूरी क्लास सही जवाब नहीं देती आइए आपसे भी जरा चेक कर लेते हैं कुछ यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस उसमें कुछ शब्द आपको चूज करने, रहे हैं एम टी हर जगह पे इस तरह के क्वेश्चन आपको खासतौर से प्री के पेपर में क्लोज टेस्ट में क्योंकि ग्रामर का अप्लीकेशन होता है वहाँ पूछ भी लिया जाता है अब मैं यहाँ पे अगर ये लिखूँ कि इंडिया इज और आपको इधर चॉइस दी जाए डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक आप कौन से वर्ड के साथ जाएंगे आप यहां पे किस वर्ड के साथ जाएंगे दो शब्दों में आपको चुनाव यहां पे करना है वर्ड को सेलेक्ट करना है ठीक है ऐसे ही एक सेंटेंस और लिखूं मैं दिस मेडिसिन विल प्रोवाइड और ऑप्शन यहां पे दे दिए जाए आपको इनर्जेटिक इनर्जाइज एनर्जी किसके साथ जाओगे आप अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं वर्ल्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अब देखो यहां डेमोक्रेटिक भी आ रहा है और डेमोक्रेसी भी आ रहा है करियर विलैप पे भी कमेंट देख रहा हूं मैं तो यहां पर इवन डेमोक्रेटिक की संख्या जो है वो ज्यादा है तो कहने का मतलब कि इतने बेसिक लेवल के सेंटेंस में भी हमें दिक्कत आती है हम सही शब्द का चुनाव नहीं कर पाते शायद पेपर कोई पूछे ना अब अब जैसे पेपर के लेवल थोड़े थोड़े अपग्रेड हो रहे हैं तो कोई पूछे ना बट फिर भी हमें गलती करनी है यहां पे क्यों क्योंकि पहचान नहीं हो पाती अब यहां पे अ लगा हुआ है अ एक आर्टिकल है आर्टिकल किसके पहले लगता है नाउन के पहले लगता है डेमोक्रेसी नाउन है शासन एक शासन व्यवस्था का एक नाम है लोकतंत्र जबकि डेमोक्रेटिक जो शब्द है ये एडजेक्टिव है आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले नहीं लगता लेकिन वहीं पे सेंटेंस अगर ये लिखा होता कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री अब यहां पे हम डेमोक्रेटिक का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि कंट्री अब नाउन है और जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री भारत एक लोकतांत्रिक देश है यह कहना बिल्कुल जायज है बिल्कुल सही है बट इंडिया इज वहां पे इज अ डेमोक्रेटिक कह के हम चुप नहीं रह सकते तो अब देखो अगर इस तरह के सेंटेंसेस अगेन हम बचपन से कर रहे हैं ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल एक सवाल हमें जरूर अपने आप से पूछना चाहिए था अगर शायद हमने पूछा होता तो आज जिस समस्या का हमने एहसास किया है कि हमें स्ट्रक्चर समझ नहीं आता आपको शायद पहले ही इस बात का एहसास हो गया होता अब जैसे आपने ये ये कहा, बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस। एक तरफ हम ये कहते हैं कि आर्टिकल का नाउन के पहले होता है डेमोक्रेटिक के लिए नहीं लगा ये लगा हुआ है डेमोक्रेटिक कंट्री और ब्यूटीफुल गर्ल के लिए तो आर्टिकल का इस्तेमाल एक्चुअली नाउन और नाउन फ्रेज दोनों के लिए होता है और यहां पे लिखे गए ये दोनों शब्द शब्दों का जो समूह है इसे क्या कहा जाएगा नाउन फ्रेज कहा जाएगा इसीलिए मैंने कहा कि अगर हमारे हमें भूख जगती मन में ये सवाल पैदा होता कि एक तरफ तो हमें ये कहा जाता है कि भाई आर्टिकल का इस्तेमाल जो है वो नाउन के पहले होता है बट ये ब्यूटिफुल इंटेलिजेंट ऑनेस्ट ही इज एन ऑनेस्ट मैन

ये यहां पे कहानी है तो मैंने अपना पहला पॉइंट आपके सामने यहां पे प्रूव कर दिया कि देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम ये चेक करता है कि आप सही शब्द का चुनाव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ही बेसिक शब्द थे ये फिलर्स में हो क्लोज टेस्ट में हो बहुत सारी जगहों पर ग्रामर के बेसिक ज्ञान का आपका इस्तेमाल होता है एक ही शब्द के वो चार वेरियंट आपको दे देते हैं अब जैसे वहां पे कोई स्ट्रांग दे दे स्ट्रेंदन दे दे स्ट्रांगली दे दे अब आपको लग रहा है कि सबका मतलब ताकत ही तो होता है अरे भाई स्ट्रेंथ नाउन है स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है वर्ब है किसी चीज को ताकत प्रदान करना है, है। आप उस ब्लैंक प्लेस को देखिए कि उसको नाउन की जरूरत है कि वर्ब को जरूरत है, की जरूरत है, कि जरूरत है कि की जरूरत है और उस आधार पे आप शब्द का चुनाव करेंगे लेकिन अगेन इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल पे आते हैं तो हम उसी बेसिक की बात कर रहे हैं कि ग्रामर का मतलब पहला काम क्या है कि आपको पावर मिल जाती है वर्ड सिलेक्शन की वो तभी मिलेगी जब हमने जिन पार्ट ऑफ स्पीच के पीछे बात की है उनकी आपको समझ है अब जो दूसरा एस्पेक्ट है वर्ड प्लेसमेंट वो भी आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए एक वर्ड प्लेसमेंट से किस तरह से बात बदल जाती है पहला सेंटेंस आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर दूसरा सेंटेंस आपके बचपन से सुना हुआ टेंस में पढ़ा हुआ द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन और तीसरा यू आर सिटिंग बिफोर तीनों सेंटेंसेस में मैंने एक शब्द को कॉमन रखा है बिफोर अगर मैं आपसे यह पूछूं कि बिफोर का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है क्योंकि तो मैंने उसी की प्लेसमेंट को बदल दिया है और प्लेसमेंट को बदलने से उसकी जो प्रोफाइल है वो भी बदल जाती है तो आप मुझे यह बताइए कि क्या आप पहचान पा रहे हैं। अब देखो एक स्टूडेंट्स का यह ग्रुप होता है जो इनको रटने की कोशिश करते हैं कि सर इसमें मैं रट लूंगा बिफोर क्या होता है तो आप किसी शायद और टाइम में जी रहे हैं रटने की जरूरत नहीं है वहां पर प्रयोग के आधार पर हमें पहचानना है कि उसका फंक्शन क्या है तो आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर मैंने ये गाना पहले सुन रखा है ये वाला बिफोर क्या हो गया दिस विल बी कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम क्यों कहा जाएगा एडवर्ब एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है वर्ब को करता है ये वर्ब है डेफिनेटली थर्ड फॉर्म में और ये सवाल क... किस सवाल का जवाब दे रहा है कि मैंने ये गाना कब सुना तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करे उसके होने का समय बता करके उसे क्या कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम जो वर्ब का डिस्क्राइब करे उसका तरीका बता कि एक्शन कैसे हुआ उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कह लेंगे हम जगह बता कि एक्शन कहाँ हुआ उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कह लेंगे इधर देखो द ट्रेन हैड लेफ्ट एक क्लॉज है अभी हम क्लॉज की बात करेंगे आगे और डिटेल्ड मैनर में जो थोड़ा डिस्कशन किया उससे तो आपको समझ में आ ही गया सेंटेंस यहां पे खत्म हो रहा है और इस सेंटेंस में ये दो क्लॉज हैं क्लॉज क्यों कह रहे हैं क्योंकि सेंटेंस का पार्ट होते हुए भी इनके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब है सब्जेक्ट और वर्ब है तो जो दो क्लॉजेस को जोड़े ये क्लॉज टू है, है जो जोड़ने का काम करता है उसे क्या कहा जाता है कंजंक्शन कहा जाता है कॉन टूगेदर जंक्शन जोड़ना और वहीं पे यू आर सिटिंग बिफोर मी का जो मी है दिस इज वर्ड दिस इज प्रोनाउन और जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका उसी शब्दों में उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ दूसरे शब्दों से रिलेशनशिप बताए उसे क्या कहते हैं कॉल्ड तो आप देखो मैं हर जगह जो लिख रहा हूं उसके कारण बता रहा हूं उसका फंक्शन बता रहा हूं रोल बता रहा हूं कि एडवर्ब का काम क्या है कंजंक्शन का काम क्या है प्रेपजिशन का काम क्या है और उसी काम को आपको सिखाना है ठीक है तो आज से अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कोई पूछे ग्रामर की समझ क्या है तो ग्रामर की समझ का मतलब इन दो बातों की समझ है और इन दोनों बातों की समझ आपको तभी होगी जब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होगी तो निचोड़ तो यही है डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग रूल रटना नहीं डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप अच्छे से पहचान भी पाओगे कोई कोई भी वर्ड को कहीं लगाए आप उसके प्रयोग के आधार पर बता पाएंगे कि किस तरह का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है और आपको अगर सेलेक्ट करना है सही शब्द तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल की समझ है अब इसके बाद बारी आती है नाउन की आओ पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शनल एस्पेक्ट को समझते हैं कि भैया इनका काम क्या है क्या रोल है फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ नाउन रोल्स ऑफ नाउन आप कह सकते हैं नाउन कितने तरह के काम में आता है भाई क्या क्या रोल है इसका पहला काम है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस दूसरा काम है ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब मेन वर्ब का मतलब एक्शन वो तीसरे काम की बात की जाए तो दिस दैट विल बी व्हाट तीसरा काम क्या करता है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है पूरक यानी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूरक की स्पेलिंग कॉम्प्लीमेंट जो है इंग्लिश पी एल ई है इसको कंप्लीट से याद रख सकते हो क्योंकि कंप्लीट की स्पेलिंग में भी ई e आता है उसी को आप अगर आई कर दोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट इज्जत वाली हो जाएगा वो चौथा काम क्या करता है नाउन ऑब्जेक्ट का भी पूरक बनता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और पांचवा काम क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी बनता है प्रेपोजिशन क्योंकि पहले पोजिशन होता है तो इसके बाद जो लिखा है वो काम क्या करेगा उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन अब ये तो हो गया काम लेकिन अभी भी इसमें जो टर्म लिखे गए हैं उनमें भी कंफ्यूजन है तो आइए उसको भी दूर करते हैं क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा ना फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता <laughs> आता है तो भी अच्छी बात है नहीं आता है तो भी अच्छी बात है क्योंकि ऑनलाइन में हमें ध्यान सबका रखना पड़ता है ये जो बार बार टर्म आए हुए हैं ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं भाई इज इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सर इतना आसान सब्जेक्ट करता काम करने वाला ऑब्जेक्ट काम का परिणाम भुगतने वाला या वर्ब के बाद आने वाला है, है ऐसा होता है क्या हाँ सर बिल्कुल होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको नहीं पता देखिए सर सब्जेक्ट जो है ना जो आप करता कह रहे हैं उस बात से कोई इनकार नहीं है डूअर ऑफ एक्शन यानी काम करने वाला सब्जेक्ट होता है इस बात से कोई इनकार नहीं है लेकिन क्या हमेशा सेंटेंस के अंदर काम करने वाला एक इंसान के तौर पर मौजूद रहना जरूरी है क्या बिल्कुल नहीं तो एक सेंटेंस में आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना वो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही कहा जाता है वो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे दो अगर बेसिक सेंटेंस मैं यहां पर लिख रहा हूं सपोज फर्स्ट वन इज सौम्या हैज स्टार्टेड अ न्यू वेंचर ठीक है ये पहला सेंटेंस है दूसरा संस्कृत इज हर फेवरेट लैंग्वेज दो सेंटेंस हैं पहले सेंटेंस में यहां एक काम करने वाला इंसान है सौम्या तो इसे सब्जेक्ट कहेंगे ही कहेंगे और ये डूअर ऑफ एक्शन है कोई पूछे आपसे हु हैज स्टार्टेड दिस न्यू वेंचर इस न्यू वेंचर को किसने स्टार्ट किया है तो उसका जवाब होगा सौम्या ने किया है तो जब भी हम डूअर ऑफ एक्शन की बात करते हैं यानी काम करने वाले की तो उसका उसको पूछने के लिए हम सवाल किसके जरिए पूछते हैं हु के जरिए यानी कौन या किसने ये काम किया है तभी हम कहते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन का पता लगाना है तो हु से सवाल पूछो जवाब में जो मिलेगा वो आपको नाउन मिलेगा लेकिन यहां पे जब यह कहा जा रहा है कि संस्कृत इज हर फेवरेट लैंग्वेज तो क्या यहां पे संस्कृत कोई इंसान है कोई डूअर है बिल्कुल नहीं यहां संस्कृत एक विषय का नाम है राइट है नहीं क्योंकि नाम है ये नाउन कुछ और नहीं होता नाम होता है तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है नाउन के डेफिनेशन पे बात नहीं करी वॉट इज नाउन तो हम कहते हैं क्या कि नाउन इज अ पर्सन प्लेस आर थिंग बचपन से पढ़ा ये डेफिनेशन की भी बात होनी चाहिए नहीं तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग जिन किताबों में या ऑथर्स थोड़ा ध्यान रखते हैं वो थिंग के साथ लिख देते हैं इनटेंजिबल थिंग, थिंग एज वेल बिकॉज ये डेफिनेशन नाउन को पूरी तरीके से अपने अंदर अकोमोडेट नहीं कर पाती क्योंकि नाउन का एक प्रकार होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे बचपन में पढ़ा आपने भाववाचक संज्ञा ईमानदारी का भाव अच्छाई का भाव ऑनेस्टी गुडनेस ब्यूटी ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये ना तो पर्सन है ना प्लेस है ना थिंग है ये भाव है तो तब भी कुछ लोग एक खर यही डेफिनेशन बोलते रहते हैं नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग एनी नाउन की बेहतर डेफिनेशन क्या हो सकती है कि नेम ऑफ एनीथिंग कैन बी कॉल्ड नाउन किसी भी चीज के नाम को नाउन कहा जा सकता है या नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड नाउन कुछ और नहीं होता नाम रखने के लिए एक शब्द होता है और आप थोड़ी सी और गहराई में जाते हो तो हमें यह भी सेइंग मिलती है आ, सुनने को या पढ़ने को कि नथिंग इज नाउन एवरीथिंग इज अ वर्ब इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज नाउन एवरीथिंग इज वर्ब अब आप ये कहो सर ये क्या हो गया है बचपन से ये नाउन बढ़ रहे हैं अभी बड़े हो गए मिल रहा है लाइन नथिंग इज नाउन एवरीथिंग इज वो सपोज कोई आपसे कहे खासतौर से हमारे जो यूपीएससी वाले भाई हैं कि राइट डाउन अ हंड्रेड वर्ड एस एन दिस टाइटल ऑन दिस टॉपिक नथिंग इज नाउन एवरीथिंग इज वो सो इज द रीजन बिहाइंड दैट ये थोड़ा फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है क्योंकि नाउन चीज का नाम है थिंग का नाम है पर्सन मतलब फिक्स चीज है लेकिन जब आप देखते हैं इस दुनिया को तो कुछ भी फिक्स नजर तो नहीं आता ना हर एक चीज मोशन में है हम और आप भी मोशन में है हो सकता है वो मोशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा हो वो हमारे देखने सुनने समझने फील करने के लिमिट से बाहर हो अब मैं पिछले एक घंटे से बोल रहा हूं लगभग लगभग हो ही गया तो मेरी जो एनर्जी लेवल रही होगी वो एक घंटे में थोड़ा डाउन आई होगी आप भी अपना दिमाग लगा रहे हैं तो जो ब्लड की सप्लाई होगी आपकी वो भी आपके दिमाग की तरफ होगी तो क्या हो रहा है कि लगातार बदलाव तो हो ही रहा है एनर्जी चेंज हो रहा है हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स डिजनरेट हो रही होंगी रीजनरेट हो रही होंगी तो जब हम उस आधार पे उस प्लेन पे बात करते हैं तो हमें फिर ये बात समझ में आती है कि सही बात है नथिंग इज नाउन एवरीथिंग इज बो बट एनी तो चलो ये नाउन के डेफिनेशन और थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिला अब आ जाओ काम पे तो भाई देखो डुअर ऑफ एक्शन तो होता ही होता है इसमें कोई इनकार नहीं है लेकिन यह जवाब हु, हु का नहीं है यह जवाब किसका है वॉट का तो इसीलिए किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम वो शब्द भी करता है अबाउट विच वी आर टॉकिंग अबाउट अबाउट विच वी आर टॉकिंग या सेंटेंस इज टॉकिंग जो भी कह लो आप ये आपको समझने के लिए ही है तो ये क्या होगा ये व्हाट का जवाब होगा अब जैसे यहां पे कोई पूछे व्हाट इज हर फेवरेट लैंग्वेज व्हाट इज हर फेवरेट लैंग्वेज तो उसका जवाब आप देंगे संस्कृत और इस पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है संस्कृत के बारे में तो सेंटेंस का सब्जेक्ट काम करने वाला तो होता ही है करता तो होता ही है साथ ही साथ एक सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो भी सेंटेंस का क्या है सब्जेक्ट है आप देखिए जो आज आपको एग्जाम्पल दिए थे मैंने यहां पर Uh, ये क्या था? हैज बीन विटनेसिंग उसके पहले ये जो लिखा हुआ है इसको भी क्या बोल सकते हो ये भी नाउन फ्रेज है क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट का, का काम कर रहा है हिमाचल प्रदेश का नाम ही है ये भी एक प्रदेश का नाम है ये सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट दिस मानसून सीजन आपका एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है इस मानसून के सीजन में तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम हम बाद में भी लगा लेते हैं पहले भी लगा लेते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट हिमाचल प्रदेश हो गया तो खैर यहां पे तो वर्ड ही है हम इसको फ्रेज नहीं बोलेंगे पीछे हो सकता है कोई फ्रेज देखा देखने को मिला था आपको फ्रेज मिला था ना हाँ यहां मिला था देखो ये पूरा का पूरा काम क्या कर रहा था नाउन का अब यहां कोई इंसान थोड़ी है हम क्या पूछेंगे कि वॉट डिड स्पार्क वाइड स्प्रेड जुबिलेशन एंड सेलिब्रेशन किस चीज ने वाइड स्प्रेड जुबिलेशन और सेलिब्रेशन स्पार्क किया तो उसमें यह बात आ जाएगी तो ये नाउन फ्रेज हो गया एनी तो सब्जेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया अब आइए ऑब्जेक्ट की बात फटाफट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है तो जैसे वहां पे डूअर ऑफ एक्शन था ना बिल्कुल उसका उलट क्या हो जाएगा रिसीवर ऑफ एक्शन यानी काम करने वाला और जो काम को रिसीव कर रहा है जिसके ऊपर एक्शन अप्लाई किया जा रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं हम इस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहे कि इस एस वी ओ वर्ब के बाद लिखा जाता लिखा जाने वाला हर शब्द ऑब्जेक्ट होता अरे भाई वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी आता है और वो वर्ब एक्चुअली स्टेटिव वर्ब कहे जाते हैं वो जैसे आप कहो इट फील्स हॉट आपने गर्म पानी टच किया तो आप क्या बोलते हो इट फील्स हॉट हॉटली थोड़ी बोलते हो और फील्स वर्ब तो है ही है ऐस लगा रहे हो आप लेकिन वो कोई एक्शन वर्ब नहीं है वो स्टेट बता रहा है उस पानी का या उस रॉड का जिसको आपने टच करके कहा इट फील्स हॉट हॉट एडजेक्टिव तो भाई वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव भी आता है और वहीं पे अगर वो लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद नाउन भी आ सकता है जब आप ये बोलते हो कोई पूछा व्हाट इज योर फादर आप बोलो माय फादर इज अ फार्मर मेरे पिता एक किसान है माय फादर इज अ डॉक्टर माय फादर इज अ लॉयर तो यहां पे आप क्या बोल रहे हो ये फादर डॉक्टर लॉयर क्या है वर्ब के बाद इज के बाद ही तो आ रहा है लेकिन क्या इज कोई एक्शन वर्ब है नहीं ये लिंक कर रहा है किसको सब्जेक्ट को उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके तो है तो ये सारे नाउन कॉमन नाउन है प्रोफेशन के नाम है अलग अलग लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाएगा इसे क्या कहा जाएगा सब्जेक्ट का पूरक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपने कहा कल जो मैच रहा एटीन ईयर ओल्ड चेस प्रोडिजी सेकेंड पोजिशन पे आए मिस्टर प्राग तो अब उनके लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है यहां पे अगर आप उनका परिचय दे रहे हो तो तो पॉइंट इज वॉट कि क्या सब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट है वहां एक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा कोई एक्शन वर्ब नहीं है अब जैसे मिस्टर प्राग के लिए कहा जाए मिस्टर प्राग प्लेड वेल सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन को उन्होंने परास्त किया तो अब आपको हम ही प्लेड वेल प्लेड वर्ब है एक्शन वर्ब है लेकिन क्या वेल है? यहां पे हम ऑब्जेक्ट बोल देंगे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है नहीं कितने समझदार हैं आप वो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो इस बात का जवाब है कि हाउ डिड ही प्ले उसने कैसा खेला ही प्लेड वेल तो इवन एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब भी आएगा एडवर्ब भी आएगा वहां पे एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकता है टाइम हो सकता है प्लेस हो सकता है तो ऑब्जेक्ट हम सिर्फ तब बोलेंगे जब कोई एक एक्शन वर्ब को मेन वर्ब जो है एक्शन वर्ब जो है उसको कोई रिसीव करने वाला है तो वो रिसीवर ऑफ एक्शन और ये किसका जवाब होता है ये जवाब होता है आपके होम का जवाब होता है होम का और ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई और ऑब्जेक्ट क्या होगा ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट का जवाब भी आएगा तो व्हाट एक्चुअली कॉमन कड़ी है व्हाट जो है वो कॉमन कड़ी है जरूरी नहीं है कि वहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पे हमेशा आप एग्जाम्पल ले लो फिर आपको आपको लिखना है यहां पर क्या लिखना चाहिए अब जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था राज लाइक सिमरन वाला उसी को अगर लिखो आप यहां पर दिस इज व्हाट राज लाइक करने वाला है सिमरन उस लाइकिंग को रिसीव कर रही है तो यहां पे तो ये क्या हो गया दिस इज ऑब्जेक्ट और अगर कोई सवाल पूछे होम डज राज लाइक राज किसको लाइक करता है तो जवाब हो गया सिमरन राइट बट एक सेंटेंस और अगर हम यहां पर लिखें और बहुत ही बेसिक सेंटेंस लिखें राज हर अ बुके राज गिव हर अ बुके अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है दो दो ऑब्जेक्ट हैं वर्ब हो गया ये गेव राज हो गया सब्जेक्ट किसको दिया उसको दिया तो ये एक्शन को रिसीव करने वाली है तो एक तो ऑब्जेक्ट ये हो गई और ये किसको दिया यानी ये जवाब किसका है होम का जवाब है लेकिन उसने क्या दिया एक बुके भी दिया तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसी को बोल रहे होते हैं बट मैं उन जारगंस में नहीं जा रहा आपको सीधा ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू लिख के बता दे रहा हूं और दोनों देखिए जवाब किसका है ये वॉट का जवाब है कि उसने क्या दिया राइट उसने क्या दिया तो एक बुके दिया और किसको दिया तो उसको दिया तो ऑब्जेक्ट जो है वो वॉट का जवाब भी होता है ठीक है बात समझ में आई शुभम कुमार मैं हिंदी मीडियम से हूं इंग्लिश की तैयारी कैसे करूं सर प्लीज रिप्लाई शुभम ये बिल्कुल मीडियम का खेल नहीं है मेरे भाई हमारे करियर प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं हिंदी माध्यम बैकग्राउंड से आते हैं और आज मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए हैं इंस्पेक्टर बन के तो ये सारी बातें बिल्कुल यहाँ पे जायज नहीं है कहनी राइट ये बस लोगों का भ्रम होता है ये मिथ है मेरे पर्सनली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी दो तीन के इंटरव्यूज भी पीछे आपको मिल जाएंगे करियर विल सेलेक्टेड स्टूडेंट्स पे एक बिहार के उत्कर्ष अगर मैं गलत नहीं उत्कर्षी नाम है शायद उनका उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया कि सर आई uh, थिंक बेगूसराय के हैं वो ग्रेजुएशन तक बेगूसराय में रहे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी थे दसवीं तक पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे कोविड के समय हमसे जुड़े थे ग्रेजुएट होते ही एग्जाम क्लियर कर लिया एम के जरिए क्लियर किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में वो कार्यरत भी थे लेकिन ग्रुप डी के अंदर कार्यरत थे फिर जॉब करते करते पढ़ाई की अपने आप को और बेहतर किया उन्होंने अपनी कमियां भी बताई कि सर मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गया था लेकिन फिर आप लोग जज्बा देते रहते हैं और उस जज्बे के सहारे फिर से अपनी तैयारी शुरू करी काम करने के बाद सात बजे तक पहुंचता था घर और सात बजे से लेकर बारह बजे तक फिर पढ़ाई करता था लाइब्रेरी के अंदर और उस बच्चे ने 2000 ग्रेड पे से आई थिंक बयालीस या छियालीस ग्रेड पे की नौकरी पाली उम्र सिर्फ 23 साल है तो आप ही लोगों की ये कहानियां होती हैं जो शुभम पूछ रहे हैं आपकी भी यही कहानी हो सकती है हो सकता है दो साल के बाद

भरपूर क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे ज्ञान की कहीं कमी नहीं है बट उस ज्ञान के लेने में हमसे कहां चूक हो जाती है क्यों हम कई बार पढ़ने के बाद भी वो स्कोर नहीं ला पाते तो ये तभी पॉसिबल तभी होता है ना जब आपको वो मिसिंग लिंक्स हैं वहां पे मैंने तो आपको एसवीओ करके नहीं बता दिया मैं उस एसवी का पहला कार्ड दे रहा हूं आपको हम तो पढ़ते ही हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नाउन बनता है सब्जेक्ट नाउन बनता है ऑब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कई बार बच्चा उसी में बेचारा कंफ्यूज है वो तो करता और कर्म या काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं उसको ये पता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मेरी हर क्लास में जब हम वर्ब ट्रांजटिव ट्रांजटिव वर्ब चैप्टर के अंदर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव पढ़ रहे होते हैं और मैं और मैं राइज रेज में पूछ रहा होता हूं कि भाई बताओ मुझे कौन सा इसमें ट्रांजिटिव है कौन सा इन ट्रांसिटिव है तो फिफ्टी परसेंट क्लास राइज को भी ट्रांजिटिव बताती है और मैं उनको पूछता हूं कि आपके मन में यही बात आई है ना यही सेंटेंस की सन राइजेस इन द ईस्ट तो कहते हैं हाँ सर क्योंकि ये बता चुका होता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और इन ट्रांजिटिव वो होता है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता लेकिन 50 परसेंट लोग क्योंकि पुराना ज्ञान जो है वो बड़ा पक्का है ना मेरे आने के बाद बदलाव में टाइम लगेगा या जो भी आपको टीचर अगर उसको ढंग से सारे लिंक्स को समझाते हुए आपको पढ़ा रहे हैं तो आत्म में बदलाव लाना पड़ता है तो उनको यह लगता है कि सन राइज इन द ईस्ट बचपन से हम ये लाइन पढ़ रहे हैं उसमें राइज के बाद इन द ईस्ट तो लिखा ही है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और वो बोलते हैं राइज ट्रांजिटिव वर्ब है फिफ्टी टू सिक्स परसेंट स्टूडेंट की कहानी है क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि भैया ऑब्जेक्ट होता क्या उनके मन में बड़ी गहराई से बैठा वर्ब के बाद लिखा हर शब्द ऑब्जेक्ट होता है अरे भाई कहां अटके पड़े हो ढंग से समझ लो ना एक बार समझना है आप जिंदगी भर कहीं दिक्कत होगी इस बात को समझने में कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है मैं यहां आज सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ा देता अगर कोरम पूरा करना होता लेकिन मैं कभी नहीं करता ये काम क्योंकि जिंदगियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप अगर चीजों को सीख लेंगे आप सफल होंगे आपके साथ साथ पूरा परिवार बेहतर होता है तो इसीलिए मैं इसके अंदर पांच से छह दिन लगाता हूं और हर सेलेक्टेड स्टूडेंट जो मिलने आते हैं उनका कहना यही होता है कि सर वो पांच छह क्लासेस ने अंग्रेजी को देखने का नजरिया बदल दिया पढ़ तो पहले से भी रहे थे नाउन टू नाउन एड्जिक वर्क बट ये दिक्कतें आती हैं और अब इसके बाद वही कहा कि जब आप पढ़ोगे सारे चैप्टर ना तो फिर एक अलग लेवल के कॉन्फिडेंस में आप रहोगे खैर तो आज का समय हो चुका है पूरा ठीक है अब इसके आगे कहानी शुरू होगी सोमवार को तो अभी हमने यहाँ पे बात नाउन की करी है नाउन की बात अभी पूरी नहीं हुई अभी हमने सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझा है तो अगर YouTube पे भी आपको इसके आगे का सेशन चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा तो मंडे वाला इवेंट भी YouTube पे आ जाएगा नहीं तो अगर आपको कोई आवश्यकता नहीं तो कोई बात नहीं है राइट तो बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर सेशन ये क्लास गई भी है तो अगर आपकी इच्छा होगी तो मंडे को भी मैं यूट्यूब पे समझा दूंगा मेरी कोशिश यही है कि कम से कम ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की समझ है आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शनल आस्पेक्ट समझ लें उनका रोल समझ लें उनका काम समझ लें उनकी पहचान आपके लिए बेहतर हो जाए सो so दैट की रीडिंग में लिसनिंग में अंडरस्टैंडिंग में जो हमारे बैरियर्स हैं वो बैरियर्स बिल्कुल ना आए और सारे के सारे टॉपिक्स आप इजीली समझ पाएं ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास थैंक यू वेरी मच लेट्स कैच अप ऑन मंडे मंडे को मिलते हैं आपके प्यार के लिए सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है चलिए थैंक यू एवरीवन थैंक यू वेरी मच कल मिलते हैं कल का मतलब मंडे को